एवरीवन, मैं हूँ माला यादव और स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैजिक मसाला बाय माला में। दोस्तों, आज हम बहुत ही स्पेशल एग ऑमलेट रोल बनाने जा रहे हैं। जी हाँ, हम एक कोरियन एग ऑमलेट रोल बनाने जा रहे हैं जो कई अंडों से मिलके बनने वाला है, और जिनको अंडा पसंद है, नॉनवेज पसंद है, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है, और जो लोग जिम गोइंग है उन्हें तो और भी पसंद आएगा। ये देखिए, ये मैंने शिमला मिर्च ले लिया, इसके लिए 2 बड़े चम्मच, 2 बड़े चम्मच मैंने प्याज ले लिया है, और 2-3 से 4 हरी मिर्ची जो छोटी कटी हुई हैं वो ले लिया है मैंने। ये मैंने अंडे ले लिए, इसमें 4 से 5 अंडे हम डालेंगे, और ये मैंने चीज़ ले लिया है, ये भी 2 बड़े चम्मच है। ये सब चीज़ें मिला के हम कोरियन एग ऑमलेट रोल बनाएंगे। ये देखिए, मैंने अंडे फोड़ लिए। जो लोग वेट लॉस जर्नी पे हैं उनको ये बहुत पसंद आने वाला है, जो नॉनवेज खाते हैं। ये लास्ट अंडा है, ये भी मैंने इसमें फोड़ लिया है। दोस्तों, बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। ये मैंने हरी मिर्ची डाल ली इसके अंदर, 2 बड़े प्याज थे जो छोटे कटे में वो डाल लिया मैंने इसके अंदर, ये मैंने शिमला मिर्च डाल दिया, ये हरी और लाल शिमला मिर्च है। दोस्तों, आपके पास जो भी शिमला मिर्च हो आप वो डाल सकते हैं। ये मैंने फेंट लिया इसको, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक ऐड कर दिया इसके अंदर, एक मैंने अलग लुक देने की कोशिश की है। ये काली मिर्च है, फ्रेश काली मिर्च है, जिसको मैं क्रश करके डाल रही हूँ। आप जिसमें अदरक कूटते हैं उसमें भी आप इसको क्रश करके डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर बहुत ही अलग आता है, और डाइजेशन के लिए भी काली मिर्च काफ़ी हेल्प करती है। ये देखिए, और ये कई रोलों में बनता है, मतलब कई फोल्ड में बनता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। गैस ऑन कर दी मैंने, फ्राइंग पैन रख दिया है, गर्म हो गया है मेरा फ्राइंग पैन, और इसमें मैंने बटर डाल दिया। आप जौन सा भी ऑयल खाते हो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 छोटा चम्मच बटर डाला है, इसको मैं स्प्रेड कर लूँगी, फैला लूँगी चारों तरफ। दोस्तों, इसको बनाने में एक टेक्निक का इस्तेमाल है, उसको ध्यान से आप देखिए और उसी तरह से बनाइए, और आप मुझे यकीन है आप बहुत ही अच्छे से बनाएंगे और अपने अनुभव में साथ शेयर करेंगे। चलिए, ये पहले मैं इसको एग को फैला लेती हूँ। ये देखिए, थोड़ा ही एग फैलाना है इसके अंदर, जो बैटर है एग का। ये देखिए, अब ये जैसे पकता जाएगा उसको हम फोल्ड करते जाएंगे, और इसके किनारों को हम छोड़ते जाएंगे, जिससे और जो एग का बैटर है वो उसके साथ हम फैलाएंगे। ये इधर से पक जाएगा, इसको हम फोल्ड करेंगे। ये फोल्ड कर लिया मैंने, और देखिए इसका ध्यान दीजिए, इसके किनारों को मैंने छोड़ दिया है। वहाँ मैंने जो फेटा हुआ ऑमलेट का बैटर है, सॉरी एग का बैटर है, वो मैंने फिला उसके साथ ही डाल लिया। अब ये भी पक गया, मैंने फोल्ड कर लिया, ये देखिए, और थोड़े से मैंने किनारे छोड़ दिए। इससे ही लगाते हुए मैंने और जो एग का बैटर है वो मैंने डाल दिया है, और इसको शेप में रखने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए, ये भी पक गया, इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया, फिर से मैंने बैटर डाल लिया। अब मैं इसमें डालूंगी चीज़, क्योंकि आधे में से मैंने चीज़ डालना शुरू किया। आप चाहें तो पूरे में डाल सकते हैं, बहुत अमेजिंग इसके स्वाद आता है। ये देखिए, ये भी पक गया है, बहुत ध्यान से पलटना है, नहीं तो टूट जाएगा, काफ़ी लेयर में हो गया ये। ये देखिए, ये मैंने डाल लिया वापस जो बैटर था, और ध्यान से पकता जाएगा, हमने फोल्ड करते जाना है, और कई लेयर में ये ऑमलेट तैयार होता चला जाएगा। ये देखिए, ये पक गया, मैंने इसको फोल्ड कर लिया प्रॉपर, और बहुत ध्यान से इसको पलटना है, काफ़ी हैवी हो गया है। गैस हमारी अभी इस टाइम बिल्कुल लो पे है, इस तरह से घुमा के हमने पका लेना, अंदर जो भी कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप वेट लॉस जर्नी पे हैं और नॉनवेज खाते हैं तो आपको ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है, और बच्चे खाते हों तो उनको भी खिलाइए, काफ़ी हाई मात्रा में प्रोटीन मिलता है इससे, और कुछ पीसेस खा के ही पेट पूरा दिन भरा रह सकता है। ये देखिए, अब मैं इसको ठंडा कर लिया मैंने थोड़ा, इसको छोटे छोटे पीसेस में काट रही हूँ। देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है ये, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। दोस्तों, मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है, और जो लोग नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ये देखिए, कई रोल में, ये देखिए कई पार्ट में इसके अंदर अंडा है, ये देखिए कई फोल्ड हैं इसके अंदर, सब्जी भी है और आपका अंडा भी है, तो हाई प्रोटीन। इसी तरह की यूनिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और
जो लोग नए हैं वो बिल्कुल बिना भूले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।